नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। फिलहाल वक्त हो चला है सिटी न्यूज का। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आज भाजपा के आगरा लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पूजा अर्चना कर घर से बाबा मानकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां माथा टेक पूजा अर्चना की। उसके बाद हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ आगरा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एडीएम सिटी कोर्ट में अपने 5 प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया। पत्रकारों से बात करते हुए एसपी बघेल ने कहा कि क्षेत्रीय समस्या जो है उन्हें खत्म किया जाएगा, बिजली पानी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आगरा लोकसभा की महान जनता के सहारे, मोदी जी और योगी जी के कल्याणकारी योजनाओं के सहारे, बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम के सहारे आगरा के विकास का वादा करते हुए मैं आज नामांकन करने जा रहा हूँ। आगरा में असलाह चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गन हाउस में भारी तादाद में असलाह और कारतूस चोरी हुए थे। दरअसल थाना हरी पर्वत क्षेत्र में एक गन हाउस से 6 पिस्टल, 3 रिवॉल्वर और 120 का कारतूस चोरी हुआ था। बदमाशों ने गन हाउस की दीवार काटकर इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 रिवॉल्वर और 3 पिस्टल बरामद की है। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और बाकी बची हुई 3 पिस्टल और 120 कारतूस की तलाश में जुटी है। जैसा आप सबको पता है कि सामान्य निर्वाचन 2019 के संबंध में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्धों की जब चेकिंग की गई तो उनके पास से 6 टोटल असलहे बरामद हुए, और इन असलहों के बारे में जब गहनता से जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पिछले दिनों हरी पर्वत थाना क्षेत्र में जो गन हाउस में चोरी हुई थी उससे प्राप्त ये असलहे हैं। इसमें एक अभियुक्त अय्या उर्फ राहुल पुत्र राजू और नन्हा उर्फ विक्की, इन दो को गिरफ्तार किया गया। इन दो के पास से 6 असलहे बरामद हुए हैं। जलभोजी के दौरान 3 लोग कंडक नदी में डूबे, तीनों के शव की ग्रामीण तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाजग की जलभोजी करने के दौरान नहाने के क्रम में 3 लोग नदी में डूब गए। संग्रामपुर थाना के पुछरिया की यह घटना है। आपको बता दें कि गांव वालों के साथ प्रशासन के लोग जाल फेंक कर शवों को ढूंढने में लगे हुए हैं। वहीं परिजन और प्रशासन के लोगों का कहना है कि जब तक शव मिल नहीं जाता कोई बयान हम लोग नहीं देंगे। रामपुर में सपा नेता आजम खान की लोकसभा सीट से टिकट हो जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई, लेकिन अपनी खुशी का इजहार करते हुए वो शायद आचार संहिता की मर्यादा को भूल गए और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा बैठे। दरअसल खुशियों में खोए सपा कार्यकर्ताओं ने खुलेआम आतिशबाजी की और नारेबाजी की, जिससे जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। फिलहाल आचार संहिता के उल्लंघन मामले का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी रामपुर ने इस संबंध में जांच बैठा दी है, जिसके बाद अनुमति न होने पर कार्रवाई की बात कही है। हाथरस में 35,000 के इनामी बदमाश और एसओजी की टीम के बीच हुई मुठभेड़ में, जिसमें कुख्यात बदमाश ब्रजेश मावी और लक्ष्मण हत्याकांड में शामिल आरोपी था पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश के पास से बम और हथियार भी बरामद किए हैं। एक महिला आत्महत्या करने के लिए हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गई, जब उसके पति उसको अपने साथ बाहर ले जाने से मना कर दिया। यह पूरी घटना मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव की है। आपको यह भी बता दें कि दोनों के बीच बाहर जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इस बात की खबर पूरे गाँव में फैल गई, जिससे सारे लोग टावर की तरफ भागे, जहां नजारा बहुत ही विचित्र था। लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जहां पुलिस एवं स्थानीय लोग के अथक प्रयास के बाद महिला को नीचे उतारा गया। गोंडा में अज्ञात कारणों के चलते एक बस में भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि प्राइवेट बस जलकर राख हो गई, तो वहीं लोगों में इस घटना के बाद काफी अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि कुछ देर बाद ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है।
बाराबंकी के रामसैनी घाट इलाके के एक निजी स्कूल में दो सगे भाइयों की बर्बर पिटाई के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी दबंगों पर कार्रवाई ना करने से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने निजी स्कूल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया, जिसके बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हम लोगों का दो दिन पहले पापस में झगड़ा भरा है, पापा में जमीन बेचा चाह रहे हैं, हम लोग मना किए हैं, इधर झगड़ा हुआ तो स्कूल वाले ने स्कूल आए, स्कूल में रवि सिंह टोनी और राजू सचिन सिंह लोग उनका घर पे बुलावे गए, घर का बुला लेके आए स्कूल में बंद लेके हमारे। शराब के नशे में धुत रिटायर फौजी ने भाई भाई के आपसी विवाद को लेकर अपनी दुनाली बंदूक से फायर कर दिया, जिससे एक महिला घायल हो गई। महिला के घायल होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही SHO और SI मौके पर पहुंचकर रिटायर फौजी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि खेरिया की निवासी उर्मेशी देवी पत्नी किशन पाल हाल निवासी कृष्णा नगर को उपचार हेतु SHC सासनी भेजा गया है, जहां हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल हाथरस रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा और अपराधी को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं SHO शैलेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी ने 3 खाली खोखा, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर एवं दुनाली बंदूक अपराधी से प्राप्त की है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। लोकसभा चुनाव में चल रही नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर आज भाजपा, कांग्रेस, UKD और बसपा समेत 19 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां जिला मुख्यालय के रोशनाबाद में दोपहर 3 बजे तक भाजपा, कांग्रेस, UKD और बसपा समेत केवल 5 दलों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। चुनाव आयोग के नियमानुसार दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन पत्र दाखिल होने थे। किस बात के लिए उत्तराखंड बना था कि यूपी में हमारी उपेक्षा है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, जबकि 3-3 चीफ मिनिस्टर रहे। हरिद्वार का तो मिनिस्टर भी मुश्किल से बनता है, चीफ मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दो। तो भाई हरिद्वार को प्रतिनिधित्व संसद में क्यों नहीं मिले, ये सवाल है। इस पर चुनाव, और मैं कांग्रेस हाईकमांड का बहुत आभारी हूँ, अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते हुए प्रत्याशी स्थान ही दिया। हरिद्वार डोईवाला से मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं निर्वाचित विधायक, लेकिन पूरे 14 संसदीय जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, इनमें से संसद का उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता कोई? आ गए हैं और यहाँ हजारों कार्यकर्ता उपस्थित हैं, नामांकन करने के बाद लौटे हैं हम लोग। कोई मुझे लगता नहीं कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं का उसके सामने कोई टिक पाएगा दूर दूर तक भी। थाना नागफनी क्षेत्र के दीवाना के बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दबंगों द्वारा एक मकान पर कब्जा करने का मामला सामने आया। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं घटना की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दबंग किस प्रकार महिलाओं व बच्चों को बुरी तरह मारपीट रहे हैं। यह खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। वहीं पूरी वारदात के बारे में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोनों पक्षों पर 151 में चलान काट कर जेल भेज दिया गया है। ऐसा है, लगभग 10:30 बजे के लगभग एक सूचना मिली थी, मेरे सब इंस्पेक्टर ने दी थी कि साहब दीवान के बाजार में कुछ झगड़े की सूचना है। उसी समय मौके पे मैंने तुरंत सब इंस्पेक्टर लेपर्ड्स को भेजा, हमने देखा स्थिति क्या है, देखे जा रहे। उसके बाद मैं भी स्वयं मौके पे गया था। महिलाओं में एक रुबीना नाम की है, एक पौसर, जहाँ ये दो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की महिलाएं व पुरुष थाने ले आए, उनको लाके मैंने यहाँ बिठाला है। जिसकी किसी की चोट है वो मेडिकल के लिए भेजा, और पूरी सच्चाई जिसकी होगी उसकी मदद की जाएगी, और जिसने अपराध किया है उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ जानकारी हाँ, किस बात को लेकर? प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि रुबीना नाम की जो विधवा है, ये मकान उसका है, कह रहे हैं अभी। उसका कहना है कि ये लोग मेरे मकान में कब्जा करने आए थे। दूसरा पक्ष कौसर जहाँ है, वो कह रही है कि मैं इस मकान में किराएदार थी, मेरा सामान निकाला है। अब गहराई से जांच की जाएगी, जो भी पक्ष दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैंने दोनों पक्षों से कहा है कि अगर आपके पास कोई पेपर है, पेपर्स हैं, एविडेंस है, तो आप लाइए, प्रस्तुत करिए, अन्यथा उसके हाँ अन्यथा जिसने भी अपराध किया उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहरसा में पुलिस प्रशासन ने शहर के विभिन्न जगहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सदर थाना क्षेत्र के डीवी रोड रिफ्यूजी चौक पर वाहनों के चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों के पास से कुल 14,30,000 रुपए बरामद किए गए। इस बाबत सदर SDO शंभुनाथ झा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन को लेकर वाहनों की जाँच की गई, जिसमें विभिन्न जगहों से 14,30,000 रुपए को जब्त किया गया। फिलहाल जब्ती सूची बनाकर जाँच की जा रही है और जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर सभी जगहों पर वाहन जांच चल रही है और इसी वाहन जांच के क्रम में डीवी रोड से डीवी रोड में ऐसे बैंक के सामने 3 व्यक्तियों से 14,30,000 रुपया की जब्ती की गई है और अभी जब्ती सूची बनाकर विधिवत इसको जो है जो एक्सपेंडिचर से नोडल पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी महोदया है और पुलिस अधीक्षक महोदय है, सबको विधिवत सूचित किया जा रहा है और इसका जो पैसा जो है सील करके कोषागार में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें पैसा का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी विधिवत सूचना एक्सपेंडिचर से के पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी और इसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर से के पदाधिकारी के द्वारा जो जाँचों पर इसमें आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उठते सवाल निशान के बीच जिले के जमालपुर के ग्रामीणों ने पुलिस पर और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि कोतवाली देहात के पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों के घरों में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, जिसके चलते गाँव वालों में काफी आक्रोश है। मैनपुरी के कुर्रावली थाना क्षेत्र के घिरोर रोड के चुंगी के पास एक फर्जी डॉक्टर ने गर्भवती महिला की जान ले ली। आपको बता दें कि महिला 5 माह की गर्भवती थी। फर्जी डॉक्टर ने महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। दहेज के लोभियों का असर काशीपुर में भी देखने को मिला, जहां पर करीब 3 वर्ष पूर्व पूनम का विवाह काशीपुर के पक्का कोट निवासी मनोज सैनी से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद मनोज सैनी और उनके परिवार के द्वारा पूनम से लाखों रुपए की रकम की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने पूनम के साथ मारपीट और अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिसको लेकर पूनम ने करीब 1 वर्ष पूर्व महिला हेल्पलाइन में मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन दहेज लोभियों के दिमाग से दहेज की बात नहीं गई, जिसके बाद रविवार को मनोज सैनी ने अपने अन्य साथियों के साथ पूनम से जमकर मारपीट की और उसे घर के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पूनम ने देर रात पुलिस को मामले से अवगत कराया, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर पूनम ने महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोनी से मदद मांगी, जिस पर आज अमिता लोनी ने कोतवाली पुलिस से बात कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही। वहीं SSI विनोद जोशी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी गयी है। पूनम सैनी इस महिला का नाम है, काशीपुर की रहने वाली, इसका मायका नजीमाबाद का है। इसका फ़ोन मेरे पास सवेरे 11 बजे के करीब आया, मैं नॉमिनेशन के लिए जा रही थी। जैसे ही इसका फ़ोन आया, मैं नॉमिनेशन में भी नहीं गई, मैं इसके पास पहुंची और इसने जो मुझे बताया कि रात 1 बजे इसके पूरे परिवार वालों ने इसको घर से निकाला और इसको बीच चौराहे में ले जाकर इसके संग अभद्रता करी है और इसके पड़ोसियों से इसको पिटवाया है। और जैसा कि ये महिला मुझे बता रही कि मेरी बेटी होने के लिए भी मुझे प्रताड़ित किया जाता है और दूसरा दहेज के लिए भी मुझे प्रताड़ित किया जाता है। और मैं तुरंत यहाँ पे अभी कोतवाली पहुँची हूँ। पहुँचने के बाद मैंने सारी चीज़ की जानकारी ली है और अब मैं इसका मुकदमा दर्ज करवा रही हूँ। ये बहुत गंभीर मामला है, ऐसे मामले में हो सकता है इसकी जान भी जा सकती थी। रात को 1 बजे इसको यहाँ से थाने से अकेला भेजा गया। यहाँ पे भी मैं देख रही पुलिस की बहुत बड़ी एक लापरवाही दिखी है। महिला को रात को 1 बजे नहीं भेजना चाहिए और जैसा बता रही मैं अकेले गई और मुझे मेरा नंबर इसको एक रिक्शे वाले से मिला है। इसने रिक्शे वाले से नंबर लेके मेरे को फ़ोन किया और मैं इसकी अब पूरी जांच करवा रही हूँ। कार्रवाई करके जो भी इसके संग न्याय होगा वो न्याय दिलाया जाएगा। सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में चौथ माता मंदिर परिसर में राष्ट्रीय पोषण मेला आयोजित किया गया। मेले में ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर एवं विभाग के अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। महिला एवं किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर आयोजित इस शिविर में क्षेत्र में कार्यरत विभाग की कार्यकर्ताओं को पोषण के लिए जागरूक करने संबंधी जानकारी दी गई। मेले के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी रामावतार वर्णाल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। इस मौके पर शिविर में उपस्थित गर्भवती महिलाओं की बाल
विकास परियोजना अधिकारी प्रेम सिंह मीना ने गोद भराई के साथ बीसीएमओ डॉक्टर महेश भूटानी ने 6 माह के शिशुओं को ठोस आहार खिलाकर अन्न प्रशासन करवाया। आज जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री राजेश मीना ने डाकघरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु भागीदार बनाया। अब जिले के सभी डाकघरों में जो भी पत्र आएंगे उन पर स्वीप जागरूकता स्टैंप की मुहर लगी रहेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज डाक विभाग के कुछ पत्रों बुक पोस्ट पर मुहर लगाकर इसका शुभारंभ किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डाक विभाग द्वारा प्रेषित सभी डाकों पर मतदान की तिथि 11 और 29 मार्च को शब्द संबंधित मुहर लगी रहेगी, जिससे लोग मत के अधिकार के प्रति टर्न अप होंगे। यूपी के रामपुर की तहसील टांडा क्षेत्र के दड़ियाल में आज मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में क्षेत्र के लगभग सभी टीचर और स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली का आयोजन एबीएसए त्रिलोकीनाथ जी ने हरी झंडी दिखाकर किया और घर घर जाकर मतदाताओं को सूचित किया और वोट डालने को लेकर उजागर किया। बीएसए त्रिलोकीनाथ जी ने कहा कि अपना वोट डालने जाए और निम्न प्रकार के अपने आई कार्ड को अवश्य ले जाए, साथ ही अपने मतदान का अवश्य उपयोग करें। क्योंकि जब हमारे यहाँ मतदान होता है तो उसका परसेंटेज बहुत कम रहता है, तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो 23 अप्रैल हमारे यहाँ मतदान होगा उसमें सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं, ये स्वीप के अंतर्गत है। और आज हमने ये भी बताया कि उन्हें वोट डालना है तो क्या क्या ले जाना दस्तावेज, इसमें मतदाता पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस पहचान पत्र है, पासबुक है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, पेंशन दस्तावेज है, सरकारी पहचान पत्र है, आधार कार्ड, ये 12 दस्तावेज हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज ले जाएंगे तो उनका वोट पड़ जाएगा, क्योंकि लोग ये परेशान रहते हैं कि क्या ले जाएंगे, कैसे पड़ेगा, जरते हैं, तो जरे ना और निष्पक्ष अपने जो है मतदान करें। यही हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ, जो भी घर परिवार में है। इसीलिए हम सारे ठेले वालों से, फड़ वालों से, घर वालों से सबसे ज़्यादा ज़्यादा रैली के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। करोड़ों सनातन धर्मी हिंदुओं की अगाध आस्था के केंद्र पवित्र ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की धार्मिक व पौराणिक मान्यता व परंपरा के विरुद्ध गर्भगृह में पूजन करने वाले विधर्मी ईसाई प्रियंका वाड्रा व उनको रोकने के लिए दायित्वहीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी व गर्भगृह में पूजन कराने वाले पुजारी के विरुद्ध थाना चौक में तहरीर दी गई थी, जहां चौक थाना प्रभारी ने अधिवक्ता की तहरीर को लेने से मना कर दिया था। इसके बाद एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई गई, जिसके चलते एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने हमारी तहरीर स्वीकार करते हुए कार्रवाई का दिया है। हम एसएसपी महोदय के यहाँ आए हुए थे, प्रियंका वाड्रा जो ईसाई हैं और हमारे जो ज्योतिर्लिंग है, पवित्र ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने ईसाई होते हुए प्रवेश किया। हमारी मंदिर की मर्यादा और हमारी आस्था श्रद्धा भक्ति खंडित हुई, इसलिए मैं आया था एसएसपी के यहाँ। बात कीजिए, आप इससे पहले भी जब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी यहाँ आ रही थी उसके बाद भी आपने दिया था ज्ञापन ना आने के लिए और विश्वनाथ मंदिर का, और आज फिर दिया है क्या? सनातन धर्मी हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग है जिनमें काशी विश्वनाथ प्रमुख है और हर मंदिरों का महात्म अलग होता है, काशी विश्वनाथ का महात्म अलग है। उसके गर्भगृह में किसी भी धर्मी का, ईसाई या मुस्लिम का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। उसके गेट पर लिखा हुआ है आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो निषिद्ध। हमारी पौराणिक मान्यता, धार्मिक मान्यता, आस्था का उल्लंघन करके वो गर्भगृह में प्रवेश की, इसलिए मैं थाना चौक पर गया था FIR दर्ज करने के लिए। यशो महोदय ने FIR नहीं दर्ज की, मैं SSP के अपनी गुहार लेके आया हूँ। क्या SSP ने क्या कहा? SSP महोदय ने कहा कि मैं जाँच करके कार्रवाई कराता हूँ, FIR का आश्वासन तो SSP महोदय ने भी नहीं दिया। तो क्या आपकी मांग है कि मतलब ईसाई और ऐसा लोग मंदिरों में ना जाए? हमारी मांग है कि हमारी जो धार्मिक और पौराणिक मान्यता, हमारी आस्था जो भक्ति है उसको, उसका रक्षण किया जाए। रक्षण कौन करेगा? प्रशासन ही तो करेगा। और अगर हमारी मान्यता है कि हमारे गर्भगृह में भी धर्मी प्रवेश नहीं करेगा तो उनको रोका जाए, इसलिए हम जिलाधिकारी महोदय पूर्व में प्रार्थना पत्र दिए थे इनका प्रवेश उसमें रोका जाए। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं की। मैंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रियंका वाड्रा और मंदिर के गर्भगृह में जिन पुजारियों ने पूजन कराया है उनके विरुद्ध दिया है तहरीर, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। Yeah.
हरदोई के टड़ियावा थाना इलाके के बेंसेरी गांव में बन रही कच्ची शराब के विरोध में एसपी ऑफिस पहुंची महिलाएं और गांव में बन रही कच्ची शराब धड़ल्ले से बिकने की बात कही और महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब बंद कराए जाने की मांग की। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक से कहा कि कच्ची शराब से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते एएसपी से भी मामले की कार्रवाई करने की गुहार लगाई। एएसपी त्रिगुण विशेन ने बताया कि थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। हम यहाँ आए हैं, कच्ची शराब हमारे गांव में बनती है, पुलिस से मैंने कई बार कहा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है और जब हम लोग गांव में कहते हैं तो लोग वहाँ हमसे लेडीजें हम पर विलोम लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ एसपी साहब के पास आए हैं क्योंकि हमारे गांव में कच्ची शराब बंद करवाई जाए। कौन से गाँव से, कौन से थाने से? ग्राम चौबहन थोक मजरा भैंसरी थाना टड़ियावा। आईपीएल का नया सत्र शुरू होते ही सट्टेबाज भी सक्रिय हो गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आईपीएल के मैचों पर सट्टा लगाते हुए हरियाणा के रहने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह सभी लोग हरिद्वार में हर की पैड़ी के निकट शहर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में आकर ठहरे हुए थे और यहीं से सट्टेबाजी का गिरोह चला रहे थे। पकड़े गए 5 अभियुक्त हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। एसपी सिटी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें होटल के कमरे से गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 71,000 की नकदी के साथ 32 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप तथा 1 एलईडी टीवी बरामद किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस टीम को 2,500 रुपए का इनाम भी दिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों का कहना है कि वह लंबे समय से इस तरह के गिरोह को संचालित करते आ रहे थे और इससे पहले भी इन्हें यूपी के हमीरपुर में सट्टेबाजी के आरोप में पकड़ा गया है। मैचेस चल रहे हैं, इसमें एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सब जगह पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी और चेकिंग करवाई जा रही थी। उसी में हमें कोतवाली पुलिस को सूचना मिली तो इसमें सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम बना के इसको चेकिंग करवाई गई तो यहाँ पर होटल में, कृष्णा हेरिटेज नाम के होटल में ये 5 अभियुक्त मिले हैं, जिनके पास से करीबन 32 मोबाइल और 5 लैपटॉप और नकदी 71,000 की नकदी भी प्राप्त हुई है। और इनके द्वारा बताया गया है कि आईपीएल मैचेस में इनके द्वारा सट्टा लगाया जा रहा था तो यह इस पे सूचना पर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इसमें एसएसपी महोदय द्वारा इसमें 2,500 का इनाम भी टीम को दिया गया। ये लोग 3-4 साल हो गए मैच की खेल खेलते थे पहले, अब थोड़ा बहुत खिलाते हैं, खेल के नुकसान हो गया तो तब खिलाते हैं। आईपीएल के लिए लगा रहे थे? सिर्फ आईपीएल ही। कितने बड़े स्तर पर कारोबार कर रहे हैं? सर हमारा बहुत छोटा गाँव है, बड़ा स्तर में। बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बाल कुमार पटेल ने चुनावी महासमर शुरू होने के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए कमासीन ने बांदा तक जगह जगह कांग्रेसियों ने स्वागत किया। बांदा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनका चुनाव में बुंदेलखंड की गरीबी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना अहम रहेगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनको अपने भाई से ना कोई मतलब है और ना था। उन्होंने बताया कि मेरा भाई डकैत था, इसमें मेरी क्या गलती है, कारणों से बहुत पहले सब कुछ छोड़कर बरेली चला गया था। आज वर्तमान में हमारा परिवार सम्मानित और राजनीतिक परिवार है। बांदा की कांग्रेस तन मन और धन के साथ में श्री बाल कुमार जी को चुनाव लड़ाएगी और इसलिए भी कि हमारे नेता राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी सवाल उठाते रहे। देखिए जो मैं चैनल को नहीं जानता, जो डकैत के नाम पे उन्होंने कल संज्ञा हमारी दिया है इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं निवेदन भी आप लोगों से करता हूँ कि डकैत की संज्ञा हमको देना। कृषि उपज मंडी देई में सोमवार को किसानों ने व्यापारियों द्वारा माल की ज्यादा तुलाई करने के मामले को लेकर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। देई निवासी किसान पीताम्बर जोगी अपनी माल को लेकर मंडी में आया था, जहां पर एक ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बोली के बाद उसकी सरसों को कट्टों में भरा जा रहा था। पास में ही उसका चचेरा भाई भी उसकी जींस लेकर आया था। किसान पीताम्बर के 5 कट्टों की तुलाई के बाद अपने भाई के कट्टों को देखा तो उसने अपने कट्टों में माल ज्यादा लेने की आशंका हुई। इसके बाद किसान एकत्रित हो गए और मंडी कार्यालय के कांटे से तुलाई करने की मांग की। इस पर कार्यालय के कांटे में तुलाई करने पर कट्टे 50 किलो 700 ग्राम भर्ती की जगह 52 से 55 किलो तक निकलने पर किसान आक्रोशित हो गए। इसके बाद किसानों से लूट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और जमकर नारेबाजी भी की। गौवंश रक्षण स्क्वायर टीम ने सितारगंज के किछा रोड स्थित नया गांव के एक घर में 2 क्विंटल मांस के साथ घर स्वामी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मांस तोलने वाले तराजू और मांस काटने वाले हथियार भी बरामद किए। आपको बता दें कि चारों आरोपियों पर गौवंश रक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है।
गोवंश जो टीम बनी हुई है हमारी कुमाऊं रेंज की, उसके उसके द्वारा व थाने की संयुक्त टीम द्वारा चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लगभग 2 क्विंटल गोवंश बरामद हुआ है व अन्य उपकरण बरामद हुए। इसमें जो माननीय न्यायालय पेश किया गया, ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट टीमें हैं वो अपने कार्य में लगी हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके की पूजा कॉलोनी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को उसी के घर में घुसकर दिन दिहाड़े गोली मार दी और खुद को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान घर में मौजूद उसके परिजनों ने उसे धर दबोचा। आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसको दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कभी कभी आने था। अच्छा, मतलब महीना 2 महीना जी स्कूल के हैं तो कुछ कॉपी किताब वगैरह। कितने साल की लड़की थी? लड़की की शादी होने वाली अगले महीने। चलो बाकी लोग चलो। कितनी गोली लगी? एक गोली लगी। क्या नाम है जिसने मारी है? धीरज। कहाँ पर रहते हैं? यह मंगल बाजार पूजा कॉलोनी। प्रकाश में आया वो ये है कि उषा नाम की लड़की से ये धीरज नाम का प्यार करता था। उषा के पिता ने उषा की शादी तय कर दी थी, अगले महीने शादी होने वाली थी। इससे नाराज होकर वो घर पर आया सुबह 11 बजे और उसके हाथ में गोली मारी। उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए एकदम उतावला हो रहा था। पुलिस ने उसको बहुत समझाया, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया मौके से। मैं हथियार लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत रोड शो के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, यदि आप राष्ट्र धर्म का राजनीतिकरण करेंगे उससे देश को नुकसान होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि आप सैनिकों की शहादत का दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रांतीय अध्यक्ष यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी की मीटिंग में एवं विंग कमांडर अभिनंदन की जर्सी पहन के बाइक रैली निकालकर सेना को बांटने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के तिवारीपुरा गांव का है, जहां 1.5 महीने पहले 40 वर्षीय राजेश अपने ससुराल गया था, लेकिन वह ससुराल से वापस नहीं आया। जिसके बाद घर वालों ने युवक के ससुराल जाकर पता लगाया तो पता चला कि वह उसी दिन यहां चला गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी। लेकिन पुलिस ने मामले में ना ही गुमशुदगी की FIR दर्ज की और ना ही युवक को तलाशने की कोशिश की, जिसके बाद परिजन न्याय के लिए दरबदर ठोकर खाने पर मजबूर हो गए। इसी बीच टेढ़ी नदी के पास चरवाहे अपने मवेशियों को चरा रहे थे, तभी बदबू आना शुरू हो गई। जब बदबू की जगह पर करीब से जाकर देखा गया तो वहां नरकंकाल पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल के साथ मोबाइल वैलेट कपड़ा बरामद किया। परिजनों ने इसकी गुमशुदा राजेश के रूप में पुष्टि की है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। गए थे हमारे भाई साहब राजेश उर्फ ननको, जो कि ससुराल में उनके साले का लड़के का मुंडन था, और वहाँ पर जब वो गए, अब यही लोग बता रहे हैं, हमें पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है कि वहाँ से उसके बाद हमें कोई जानकारी हुई, और 1 महीना 18 दिन के बाद में आज पता लगा है हमको। ढूंढते ढूंढते हम लोग सब परेशान हो गए। आज हमारे भाई के साले ने ही खुद बताया, फ़ोन किया कि गिरधारी लाल, उन्होंने बोला कि मतलब आओ कपड़ा पहचान लो, तो हम कहे कि कपड़ा आप लोगों ने नहीं देखा, आपके यहाँ आए थे, और ये सब लोग हमारे ऊपर भी खुद उल्टा भड़क रहे हैं, और जबकि सारी कारतूस से सब इन्हीं लोगों की है, हम तो खुलेआम ही कह रहे हैं। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत टेढ़ी नदी के किनारे एक नरकंकाल की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने मौके पर जाकर उसकी जांच पड़ताल की। सभी संबंधित लोगों को वहाँ जो बुलाया गया तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने अपनी पहचान की है, उसके परिवार का वो सदस्य है, ससुराल कहीं गया था, उसके कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के दीवानी परिसर का है। यहाँ पिछले कई महीनों से आर्म्स एक्ट में बंद शैलेंद्र नाम के कैदी को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए सिपाही नंदलाल ओझा ले आ रहा था, तभी कैदी सिपाही को धक्का देकर भाग गया। कोर्ट परिसर से कैदी के भाग जाने की सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी मैनपुरी पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। हालांकि सिपाही को पुलिस ने अभी अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, और आपको बता दें कि आरोपी कैदी इससे पहले भी भैंस चोरी के मामले में जेल में कैद था। विनायक तिथि के अनुसार उसको कोर्ट पेशी में पेश किया गया,
हमारे एक हेड कांस्टेबल थे नीलाम प्रसाद, उनके द्वारा ले जाया गया। वहाँ से पेशी से वापसी के दौरान जो कुछ बहाने करके लेने के बहाने से थोड़ा सा हटा और झटका दिया, झटका के साथ वहाँ से पकड़ा। इसमें नंदलाल के पास चूँकि दो मंजिल थे, दो मंजिलों को ले जाकर के पेशी में उन्होंने दाखिल किया था, वहाँ से पेशी पकड़ कर ले आ गए, लिहाजा वो जब भागा तो ये दूसरे मंजिल को पकड़े रहते, जिसकी वजह से पर तत्काल झपट्टे मार करके उसको नहीं पकड़ सके। जनपद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस लाइन कोटा शहर में कोटा शहर पुलिस व लॉयंस क्लब कोटा नॉर्थ के तत्वावधान में सजग 2019 एक शाम पुलिस के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम पुलिस जवानों उनके परिवारों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित, संभागीय आयुक्त लक्ष्मी नारायण सोनी, महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज विपिन कुमार पांडे, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट समर्थ लाल मीणा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संभागीय आयुक्त व महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। फेसबुक के जरिए दोस्ती कर शादी करने के बाद प्रेमी युगल ने सोमवार अलसुबह आत्महत्या का प्रयास करते हुए सल्फास का सेवन कर लिया। प्रेमी युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं प्रेमिका युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद निवासी पुष्पप्रीत और लाखेरी निवासी खुशप्रीत उर्फ ज्योति दोनों गुमानपुर थाना क्षेत्र के कोटहड़ी इलाके में किराए से कमरा लेकर रह रहे थे। यहां सोमवार सुबह दोनों प्रेमी जोड़ों ने सल्फास का सेवन कर लिया। मकान मालिक के बेटे चंद्र प्रकाश को इसकी जानकारी लगी तो वो दोनों प्रेमी युवक को लेकर कोटा के MBS अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद उनका उपचार करना शुरू किया, जिसमें प्रेमी युवक पुष्पप्रीत को उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं प्रेमिका की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो लड़का है वो फरीदाबाद का रहने वाला है, लड़की लाखेरी की रहने वाली है। ये करीब एक लड़की का नाम ज्योति है, लड़के का नाम खुशमित है। ये करीब एक महीने से कोटड़ी में किराए पे रह रहे थे और इन्होंने भाग के लव मैरिज की थी फरीदाबाद में, और ये आज सुबह इन्होंने अज्ञात पॉइजन खा लिया जिससे ये भर्ती हुए हैं। लड़का एक्सपायर हो चुका है, लड़की अभी सीरियस, सर ये अभी जांच से पता लगेगा। हाँ, यहाँ सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें अपनी राजी से ही इन्होंने पॉइजन खाने किसी के बारे में कुछ लिखा है इसने, इन्होंने किसी के बारे में कोई ऐसा नहीं लिखा जिससे कोई इन्हें परेशान करता हो, ऐसा कुछ भी सुसाइड नोट में नहीं। सिटी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्सा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।